हाय गाइस, वेलकम टू अप्रूव्ड रिव्यूज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिटकिट 10 के ट्रिपल सी सर्टिफाइड डीसी मोटराइज्ड ट्रेडमिल के बारे में। दोस्तों, ये अमेज़ॉन पर लगभग 21,500 रुपये में अवेलेबल है। हालांकि बैंक ऑफर्स लगाकर हम इस पर 10% तक का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं। इस पर अवेलेबल सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ये परचेज करने वाले हैं तो वहाँ से जाके आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, ये एक डीसी मोटराइज्ड ट्रेडमिल है जिसका मैक्सिमम यूजर वेट कैपेसिटी 120 किलोग्राम्स का है और जो मैक्सिमम स्पीड ये सपोर्ट करती है वो है 14 किलोग्राम्स की। हमें ध्यान रखना चाहिए कि 120 किलोग्राम यूजर वेट नहीं है बल्कि इम्पैक्ट वेट है, यानी 120 किलोग्राम वेट का व्यक्ति इस पर वॉक तो कर सकता है पर रनिंग नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगी मशीन उसमें। अगर आपका वेट 100-105 किलो तक है तो आप इस पर ईजिली रनिंग और वॉक सब कुछ कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड जो ये सपोर्ट करती है वो है 14 किलोमीटर पर आवर की। जो इसके अंदर मोटर लगा है उसका पीक आउटपुट 2.5 हॉर्स पावर का है। एनर्जी एफिशिएंट और काफ़ी क्वाइट मोटर है, इसके ज़्यादा नॉइस तो ये नहीं जनरेट करता। लेकिन मोटराइज्ड ट्रेडमिल है तो मोटर की लाइफ बढ़ाने के लिए हमें एक स्टेबलाइजर ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए इसके साथ। हालांकि इसमें मोटर की 1 साल की हमें वारंटी मिलती है और ओवरऑल मशीन की फ्रेम की वारंटी 3 साल की मिलती है और मोटर की 1 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन अगर हम एक स्टेबलाइजर लगा लेंगे तो मोटर की लाइफ उससे बढ़ जाती है। स्टेबलाइजर इसके लिए जो सूटेबल है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर रनिंग बेल्ट की बात करें तो 12 सेंटीमीटर बाय 42 सेंटीमीटर जो बजट रेंज की ट्रेडमिल्स में स्टैंडर्ड साइज आता है वही बेल्ट इसके अंदर लगा हुआ है। आपको वर्कआउट करने के लिए जो इंक्लिनेशन इसमें दिया हुआ है मैन्युअली आप इसे 2 लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आप अपने वर्कआउट को इंटेंसिफाई या डी इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ऑटोमेटिक नहीं है इंक्लिनेशन, मैनुअल है 2 लेवल्स का। सेमी ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन है और वर्कआउट के लिए वही 12 प्रीसेट वर्कआउट मोड जो नॉर्मली ट्रेडमिल्स में मिलते हैं। और जो इस पे पैनल है उस पे आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कैलोरीज बर्न्ड और पल्स रेट आप देख सकते हैं। पल्स रेट सेंसर इसके हैंडरेल्स में लगा हुआ है। इसके अलावा कोई और भी क्वेरी है इस मशीन के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। हाँ, एक जो इसकी फोल्डिंग अनफोल्डिंग के लिए इसमें हाइड्रोलिक सॉफ्ट ड्रॉप सिस्टम है तो बहुत स्मूथली अनफोल्ड होता है और बिल्कुल नॉइस जनरेट नहीं होता, बहुत ईजी है। पोर्टेबल है ये मशीन क्योंकि इसमें व्हील्स लगे हैं तो जब भी यूज़ करने के बाद फोल्ड करके आप व्हील्स के थ्रू इसको कहीं भी ले जाके आप स्टोर रूम में या जहाँ भी आप इसको रखना चाहें फोल्ड करके इसके किनारे रख सकते हैं। जनरली डोमेस्टिक यूज़ के लिए बने ट्रेडमिल्स में हम भी यही चाहते हैं कि भाई घर पर स्पेस हमारा थोड़ा फ्री रहे तो यूज़ करने के बाद आप फोल्ड करके इसको कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन के बारे में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। और मशीन के साथ कुछ आपको फ्रीबीज भी मिलते हैं, लाइक एक डॉक्टर कंसल्टेशन मिल जाएगा आपको, एक डाइट और फिटनेस प्लान मिल जाएगा 1 महीने के लिए, जो एक गेम होता है वो फिट वॉर्स का, तो 1 साल की उसकी मेंबरशिप मिल जाती है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं दैट आर नॉट ऑफ मच यूज़। बाकी मुझे ठीक ठाक लगा ट्रेडमिल। आप अगर परचेज करने वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप थोड़ा डिस्काउंट भी इस पर ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।